नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम कुंभ लग्न के लिए, यानी प्रथम भाव में कुंभ राशि है तो उसके लिए दशम भाव से लेकर द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसे तर्क के साथ जानने वाले हैं, इसका तर्क समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर दशम भाव में शुक्र बैठ गए तो कुंभ लग्न के लिए दशम भाव में आठवीं राशि आती है, यानी वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल के शुक्र के साथ जो संबंध है वह न शत्रुत्व के है न मित्रत्व के है, सम है। इस कारण शुक्र को मध्यम राशि बलवत्ता प्राप्त है। शुक्र जल तत्व के ग्रह है, वृश्चिक राशि भी जल तत्व की है, समान तत्व की राशि में शुक्र आ गए। इस कारण मेष राशि जो मंगल की दूसरी राशि है उससे तो यहां पर अच्छे फलित देंगे, यानी मध्यम बलवत्ता प्राप्त है। अब दशम भाव, ये केंद्र भाव है, केंद्र स्थान है, शुक्र को अच्छा स्थान भी प्राप्त है। इस कारण शुक्र को बलवत्ता अच्छी प्राप्त है। अच्छी बलवत्ता होने के कारण शुक्र इनके जो कारकत्व से देखी जाने वाली बातें हैं, वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, कला सौंदर्य, प्रेम, शैया सौख्य आदि, इनके मामले में शुक्र अच्छे फलित देंगे। ये तो ही कारकत्व से जानी गई बातें। अब हम भाव स्थिति से क्या पता चलता है ये देखेंगे। शुक्र दशम भाव में बैठ गए, वृश्चिक राशि है, वहां पर क्या फल देंगे, यह ना मित्र के घर पे है ना शत्रु के घर पे, यहां पे मध्यम फल देंगे। दशम स्थान से कर्म देखा जाता है और शुक्र से कला देखी जाती है, सौंदर्य देखा जाता है, तो ये इस क्षेत्र में इनका कर्म हो सकता है इस जातक का, यानी ये कला के क्षेत्र में हो सकते हैं या सौंदर्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, अलंकार वगैरह बनाने वाले हो सकते हैं। यहां पर राशि कर देखे तो ये जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि और शुक्र यहां पर है, तो ये व्यक्ति नाटककार वगैरह हो सकता है, नाटक में काम करने वाला या उस फील्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, ये भी बात पता चल रही है। अब यहां से पिता का सौख्य भी देखते हैं और वहां पे शुक्र है, मध्यम बलस्थ है, इसके पिता का स्वभाव भी शुक्र जैसा रहेगा, यानी अच्छा रहेगा, शुभ ग्रह है शुक्र, पिता के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, ये भी बात पता चल रही है। पिता का समाज में दर्जा भी अच्छा रहेगा, ये भी बात यहाँ के शुक्र बता रहे हैं। अब ये तो है भाव स्थिति से जानी गई बात। यहाँ का जो शुक्र है ये राजकारणी ग्रह, ये जो व्यक्ति है ये राजकारण में रुचि रखने वाला और राजकारणी भी हो सकता है। शुक्र अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक कला ही माना जाता है, इस क्षेत्र में भी ये जातक हो सकता है। अब भाव स्थिति से जाना। अब भावीशत्व से क्या पता चलता है। शुक्र को कुंभ लग्न के लिए चतुर्थ भाव तथा नवम भाव की मालिकियत प्राप्त है। अब चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, वो आकर बैठ गया दशम भाव में, क्या फलित उत्पन्न होगा जोड़ दीजिए। चतुर्थ भाव से घर देखते हैं, दशम भाव से कर्म, घर को कर्म से जोड़ दीजिए। यह व्यक्ति अपने कर्म से घर की प्राप्ति करेगा या घर पर बैठकर ही काम करने वाला होगा, हम तर्क से जान रहे हैं। यहां पर वाहन सौख्य देखा जाता है, चतुर्थ भाव से वाहन भी देखा जाता है और दशम से कर्म जोड़ दीजिए, इसके कर्म वाहन से संबंधित हो सकते हैं। यहां से मातृ सौख्य देखा जाता है, उसका स्वामी आ गया दशम स्थान में, इस व्यक्ति को मातृ सौख्य उत्तम प्राप्त होगा। यहां से माता का सौख्य देखते हैं, यहां से कर्म, माता से कर्म को जोड़ सकते हैं, तो इसे माता से, इसकी माता से कर्म की प्राप्ति होगी, ये भी हो सकता है। या यहां से पिता देखते हैं, दशम स्थान से पिता भी देखते हैं, तो माता के स्थान का स्वामी पिता के स्थान में आ गया, इसके माता और पिता के आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे, शुक्र प्रेम के कारक है, ये भी बात पता चलती है। शुक्र को नवम भाव की मालिकियत प्राप्त है, इससे क्या फलित प्राप्त होंगे। नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, भाग्य का स्वामी आ गया कर्म में, दशम से कर्म देखते हैं, तो इस व्यक्ति को अपने भाग्य से अच्छे कर्मों की प्राप्ति होगी, ये बात पता चल रही है। कर्म से भाग्य को जोड़ दिया, ये वाइस वर्सा भी है, ये कर्म से अपने भाग्य को, अच्छे भाग्य को खींचकर लाएगा, इस व्यक्ति का भाग्य उत्तम होगा, ये बात यहां से पता चल रही है। यहां से सामाजिक दर्जा भी देखते हैं नवम भाव से, और इसका स्वामी आकर बैठ गया कर्म स्थान में, इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा बहुत ही अच्छा होगा, अपने कर्म से ये अपने सामाजिक दर्जा को ऊंचा उठाएगा। शुक्र को अच्छी नहीं मध्यम बलवत्ता प्राप्त है, अपने कर्म से सामाजिक दर्जे को ऊंचा उठाएगा, यह बात पता चलती है। यहां से सामाजिक दर्जा देखते हैं और दशम भाव से पिता देखते हैं, सामाजिक दर्जे का स्थान का स्वामी आ गया पिता के स्थान में, इसके पिता का सामाजिक दर्जा भी अच्छा होगा, ये भी बात यहाँ के शुक्र हमें बताते हैं। अब दृष्टियोग से क्या पता चलता है। यहां दशम स्थान में बैठकर शुक्र चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वही फलित है हमने पीछे देखा ही है, ये चतुर्थ भाव के स्वामी है शुक्र और अपने ही घर को खुद देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, इसके लिए ये उस घर के लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे। चतुर्थ भाव से घर देखा जाता है, वाहन सौख्य देखा जाता है, इसको शुक्र खुद देख रहे हैं, इस कारण
इस व्यक्ति को उत्तम घर की प्राप्ति होगी तथा उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। कर्मस्थान से देख रहे यानी ये खुद अपने बलबूते पर अपने कर्मों से उनकी प्राप्ति करेगा। शुक्र देख रहे इस कारण इसका जो घर है ये विलासितापूर्ण रहेगा, इसका जो वाहन है ये भी ब्रांडेड रहेगा, ब्रांडेड गाड़ियां रहेगी इसके पास, ये भी बात पता चल रही है। माता का सौख्य इस दृष्टि के कारण इस जातक को अच्छा प्राप्त होगा। इसके माता का स्वभाव भी शुक्र जैसा यानी प्रेमी होगा, यह भी बात पता चलती है, प्रेमी यानी कोमल हृदय वाला होगा। कई सारी बातें हम जान रहे हैं, तर्क से जान रहे हैं, एक लॉजिक के साथ जान रहे हैं। अब अगर शुक्र एकादश भाव में बैठ जाए तो क्या फलित प्राप्त होगा? कुंभ लग्न है, एकादश भाव में नौ आंकड़ा आता है, यानी धनु राशि है। यहाँ पे धनु राशि के स्वामी है गुरु। गुरु के साथ शुक्र के जो संबंध है ये समत्व के है, ना मित्रत्व के है ना शत्रुत्व के है। इस कारण शुक्र को मध्यम बल प्राप्त है यहाँ पर। अब स्थान के हिसाब से देखा जाए तो एकादश भाव षष्ठ अष्टम या द्वादश भाव में से नहीं है, स्थान की बलवत्ता भी अच्छी प्राप्त है। इस कारण यहां पर शुक्र को मध्यम बलवत्ता प्राप्त होने के कारण शुक्र अपने कारकत्व के हिसाब से जो देखा जाता है यानी विवाह सौख्य, स्त्री सौख्य, विलासिता, कीर्ति, प्रेम, शैया सौख्य आदि के मामले में मध्यम फलित देंगे। अब भाव स्थिति से क्या जाना जाएगा? शुक्र एकादश भाव में है, समस्थिति में है, मध्यम बलवान है। एकादश भाव से लाभ देखते हैं, आय यानी इनकम देखते हैं। अब शुक्र यहां पर क्या फलित देंगे? शुक्र है, शुक्र शुभ ग्रह है, इस कारण ये अच्छे लाभ कराएंगे, इस व्यक्ति की इनकम भी अच्छी होगी। यहां से ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं, ज्येष्ठ भाई बहन देखे जाते हैं, स्थान में शुक्र आकर बैठ गए। शुक्र के स्वभाव के हिसाब से इनके ज्येष्ठ भाई बहनों का स्वभाव होगा, यानी इनके छोटे भाई, इनके बड़े भाई बहनों का स्वभाव जो है ये अच्छा रहेगा, प्रेमी रहेगा, कोमल हृदय वाला रहेगा। यहां से मित्र भी देखे जाते हैं। शुक्र राजकारण का भी कारक है, तो इसके जो मित्र है ये राजकारण से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके इनको लाभ, इसको लाभ प्राप्त होगा क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। कई सारी बातें हम इस भाव स्थिति से ही जान रहे हैं। अब भावेशत्व से क्या जाना जाएगा? शुक्र का, शुक्र की जो एक राशि है ये चतुर्थ भाव में है, इस कारण चतुर्थ भाव की मालिकियत शुक्र को प्राप्त है। अब चतुर्थ भाव का मालिक लाभ भाव में आ गया, जोड़ लगाइए, चतुर्थ भाव से घर देखा जाता है, एकादश भाव से लाभ, घर और लाभ को जोड़ दीजिए, घर का स्वामी लाभ में गया, यानी इसको घर से लाभ प्राप्त होगा, यानी इसके एक से ज्यादा घर हो सकते हैं, ये रेंट पे देगा और रेंट प्राप्त करेगा, या घर बेचकर भी इसको लाभ प्राप्त होंगे, ये बात यहां पर पता चल रही है। यहां से वाहन भी देखा जाता है चतुर्थ भाव से, और वाहन का स्वामी गया लाभ में, इसको वाहन से लाभ प्राप्त होंगे, यानी वही वाहन बेच के या वाहन रेंट पे देके ये लाभ प्राप्त करेगा। कई सारी बातें हम जान रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं सिर्फ। नवम भाव का स्वामी गया लाभ भाव में, क्या फलित देगा? अब नवम भाव से भाग्य देखा जाता है और एकादश भाव से लाभ, तो इसको अपने भाग्य से अच्छी आय की यानी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, ये बात यहां पर पता चल रही है। नवम भाव से समाज में दर्जा देखा जाता है और उसका स्वामी लाभ भाव में गया, इस व्यक्ति का समाज में दर्जा अच्छा होगा, सामाजिक दर्जे का इसको लाभ होगा, ये बात पता चल रही है, अपने भाग्य से इसका सामाजिक दर्जा अच्छा होगा। अब इस भाव से अगर गिने तो एक दो और तीन, यानी यहां से तीसरे भाव में शुक्र जाता है, खुद के घर से तीसरे भाव में, तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है, भाग्य का स्वामी पराक्रम में गया और ये लग्न से एकादश है, यानी लग्न से लाभ स्थान है, यानी ये व्यक्ति अपने पराक्रम से भाग्य को खींचकर लाएगा और लाभ पाएगा, भाग्य से लाभ पाएगा, ये बात पता चलती है। ये पराक्रमी होगा, किसके बारे में? तो भाग्य के बारे में, यानी भाग्य पाने के लिए ये पराक्रम करेगा। कई सारी बातें हम सिर्फ तर्क से पता लगा रहे हैं, और क्या बातें जानी जाएगी? एकादश भाव में रहकर ये शुक्र पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आप लॉजिक पर ध्यान दीजिएगा, और कई सारी बातें हम जान सकते हैं। एकादश भाव से शुक्र पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव से क्या देखा जाता है? तो संतति सौख्य देखा जाता है, विद्या सौख्य देखा जाता है, प्रणय सौख्य, प्रेम प्रकरण इस स्थान से देखे जाते हैं। अब एकादश भाव में शुक्र है, स्थान को देख रहे हैं। स्थान में राशि कौन सी है? तो तीन आंकड़ा है, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध के साथ शुक्र के मित्रत्व के संबंध है। ये मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण ये इस घर के लिए शुभ फल ही देंगे। अब ये किस क्षेत्र में फल उत्पन्न करेंगे? तो पंचम के क्षेत्र में, यानी पंचम भाव के क्षेत्र में। पंचम भाव से संतति देखी जाती है, तो संतति के बारे में शुक्र फल देंगे। शुक्र से स्त्री कारक है शुक्र, और संतति स्थान को देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्र प्रेम के कारक है, संतति स्थान को देख रहे हैं। इसके संतति का जो स्वभाव है ये अच्छा रहेगा, कोमल रहेगा, प्रेम पूर्ण रहेगा, ये बात पता चल रही है। इसके संतति के साथ जो संबंध है ये अच्छे रहेंगे।
अब लाभ स्थान से संतति स्थान को देख रहे हैं, यानी इसकी संतति को इससे लाभ होगा, यह भी तर्क है। अब स्थान से विद्या सौख्य देखा जाता है, इसको शुक्र देख रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये मित्र का स्थान है, इस कारण यहां पे शुभ फल दे रहे हैं शुक्र। तो ये व्यक्ति इसका विद्यार्जन जरूर पूरा करेगा, किस क्षेत्र में, तो शुक्र देख रहे हैं या शुक्र के क्षेत्र में, यानी कला से संबंधित या सौंदर्य से संबंधित यह विद्यार्जन पूरा करेगा। यहां पर बुध की राशि है तो वाणिज्य के क्षेत्र में भी हो सकता है शुक्र, मीठी वाणी की भी कारक है, वाणिज्य क्षेत्र यानी कॉमर्स लाइन में भी ये शिक्षण पूरा कर सकता है, यानी सेल्समैन ये हो सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में ये शिक्षण पूर्ण कर सकता है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध वाणिज्य का कॉमर्स लाइन का कारक है और शुक्र देख रहा है, शुक्र मीठी वाणी का कारक है, दोनों को अगर मिलाया जाए तर्क से तो एक मार्केटिंग क्षेत्र की ओर इशारा होता है। तो इस क्षेत्र में ये व्यक्ति विद्यार्जन पूर्ण करेगा। अब यहां से पंचम भाव से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं और उस स्थान को शुक्र देख रहे हैं, शुक्र से भी प्रेम प्रकरण का पता चलता है, प्रणय सौख्य का पता चलता है। इसे क्या पता लगेगा कि ये जो जातक है ये इसके प्रेम प्रकरण होंगे, ये बात यहां से पता लग रही है। अब ये दृष्टि से हमने जाना है, अब आगे चलते हैं। द्वादश भाव के लिए शुक्र क्या फलित पैदा करेंगे, अगर कुंभ लग्न है वही हम पहले कारकत्व से क्या फल मिलेंगे जानेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से क्या फल मिलते हैं जानेंगे, उसके बाद भावेशत्व से क्या फल मिलते हैं और उसके बाद दृष्टि से क्या फल मिलते हैं, इन चारों से क्या फल मिलते हैं वो जानेंगे। अब शुक्र दसवीं राशि में है, दसवीं यानी मकर राशि, मकर राशि के स्वामी है शनि, शनि और शुक्र में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण इनको अच्छा राशि बल प्राप्त है। स्थान बल के हिसाब से देखें तो द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, हालांकि शैया सौख्य भी देखते हैं, शैया सौख्य के स्थान पर शैया सौख्य का कारक ग्रह आकर बैठ गया तो शैया सौख्य के मामले में ये अच्छा फलित देगा, लेकिन ये छोड़कर बाकी मामलों के लिए ये स्थान शुक्र के लिए अच्छा नहीं है, इस कारण शुक्र को मध्यम बलवत्ता प्राप्त है। इस कारण शुक्र के कारकत्व से जो बातें देखी जाती है, विवाह, पत्नी सौख्य, कला, प्रेम, सौंदर्य आदि, इनमें ये मध्यम फलित प्राप्त करेंगे। अब भाव स्थिति से जानेंगे, अगर द्वादश भाव में शुक्र बैठ गए तो क्या फल देंगे, द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठ गए तो द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, शुक्र को बलवत्ता यहां पर प्राप्त है, तो ये शुक्र के क्षेत्र में व्यय करेंगे, यानी सौंदर्य के लिए, व्यक्तिमत्व के लिए ये व्यय करेंगे, विलासिता भी शुक्र के कारकत्व में आती है तो ये अपने शोक पूरे करने के लिए व्यय करेंगे, ये भी यहां का शुक्र बताता है। इस स्थान से शैया सौख्य देखा जाता है, हमने देखा ही है शुक्र शैया सौख्य का कारक है, अच्छे फलित देगा। अब शुक्र जिस स्थान का स्वामी है वहां से क्या फल देगा, भावेशत्व से, चतुर्थ भाव का स्वामी आ गया द्वादश भाव में व्यय भाव में तो क्या फल उत्पन्न होगा, चतुर्थ भाव से घर देखते हैं, द्वादश भाव से व्यय यानी घर का व्यय, इसका घर देरी से होगा, यह बात यहां से पता चलती है। घर के बारे में मामले में इस व्यक्ति का व्यय संभव है, यानी अच्छा घर खरीदने के लिए यह पैसा खर्च करेगा, यह बात यहां से पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, यहां से वाहन का सौख्य देखा जाता है, यहां से व्यय, वाहन और व्यय को मिला लीजिए, जब वाहन खरीदने के लिए व्यय करेगा, व्यय भाव में है इस कारण कुछ ज्यादा व्यय हो सकता है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट इसको देनी पड़ेगी, यह बात यहां से पता चल रही है। अब इस स्थान से शैया सौख्य देखा जाता है, यह सुख स्थान है, सुख स्थान से शैया सुख, सुख और शैया सुख, यह अच्छा से शैया सुख प्राप्त करेगा, ये भी बात पता चल रही है, कई सारी बातें हैं। मातृ सौख्य यहां से देखा जाता है, ये गया व्यय, मातृ सौख्य और व्यय को जोड़ दिया जाए तो मातृ सौख्य का व्यय, तो इसे माता का सुख कम मिलेगा, ये भी बात पता चल रही है। अगर यहां से गिने हम चतुर्थ भाव से तो ये सात आठ और नौ यानी नौवे भाव से भाग्य देखते हैं। अब घर का स्वामी, यहां से घर देखते हैं, घर का स्वामी व्यय स्थान में गया यानी घर का व्यय कराया और वो भाग्य भी है, यानी ये अच्छा घर खरीदने के लिए व्यय ज्यादा करेंगे, लेकिन वो घर इनके लिए भाग्यकारक रहेगा, ये बात पता चल रही है, कई सारी बातें हम जान सकते हैं। अब नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ गया, शुक्र की दूसरी भाव राशि यानी दूसरा जो भाव है ये इस भाव के स्वामी है, इसका स्वामी आ गया द्वादश भाव में, नवम भाव से भाग्य देखते हैं, द्वादश भाव से व्यय, तो क्या भाग्य का व्यय हो गया, तो इस मामले में कुछ अनुभव में आता है कि भाग्य में थोड़ी कमी दिखी गई है, ये थोड़ा कम नसीब वाला होता है, भाग्य इसका कम साथ देता है। यहां से अगर गिने तो एक दो तीन और चार, ये चौथे भाव में है, घर के भाव में है, भाग्य से केंद्र में है, इस कारण एक दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा है, लेकिन भाग्य में कमी जरूर ला देते हैं, व्यय स्थान में है।
यहाँ से सामाजिक दर्जा देखा जाता है और ये द्वादश भाव में है, यहाँ से व्यय देखते हैं। सामाजिक दर्जे का व्यय, इसका समाज में दर्जा कम होता है। और क्या बात पता चलती है, यहां से धार्मिकता देखते हैं, यहां से मोक्ष देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष के लिए धार्मिकता को अपनाएगा, यह अच्छा योग है। नवम भाव का स्वामी गया द्वादश भाव में, धार्मिकता के लिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। अब दृष्टि से क्या पता चलता है, द्वादश भाव में रहकर शुक्र षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं। और यहां पर चार आंकड़ा है, यानी कर्क राशि है, यह चंद्र की राशि है, चंद्र और शुक्र में शत्रुत्व है, शत्रु के घर को देख रहे हैं, अच्छा फलित नहीं देगी। अब ये यहां से अगर रोग देखा जाता है और उसको शुक्र देख रहे हैं, तो इस व्यक्ति को शुक्र के संबंध में रोग परेशान करेंगे, यानी गुप्त इंद्रियों संबंधित, आंखों से संबंधित, कंठ से संबंधित रोग इसको परेशान कर सकते हैं। यहां से शत्रु देखे जाते हैं और उसको शुक्र देख रहे हैं, ये शत्रु का स्थान है, तो शत्रु इस जातक को परेशान करेंगे, ये बात यहां से पता चल रही है, क्योंकि ये शत्रु का स्थान है, शुक्र का शत्रु है चंद्र, चंद्र का स्थान है ये, उसके स्थान को देख रहे हैं, इस कारण यहां पे ये अच्छे फलित नहीं उत्पन्न कर सकते। कई सारी बातें हैं, आप लॉजिक लगाइए, भाव से और क्या क्या जाना जाता है वो ढूंढिए, और ग्रह से क्या क्या जाना जाता है वो ढूंढिए, इनको आपस में मिला लीजिए इस तर्क के साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और जुड़े रहिएगा। अगले कार्यक्रम में हम शुक्र का मीन लग्न के लिए द्वादश भावों में क्या क्या फलित उत्पन्न हो सकता है, ये तर्क के साथ जानने वाले हैं। जुड़े रहिएगा, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।